हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल जो कि जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल के अंदर ही सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS SO जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, LIC वगैरह, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी आई है, तो वो वहाँ पे ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा आपका। ये जो SBI क्लर्क का जो प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है। आपने अगर एक क्वेश्चन में 5 मिनट टाइम दिया, 5 से 10 मिनट के अंदर आप 5 नंबर आराम से ले सकते हैं। अब बहुत जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिनिमम 5 मिनट में आप एक पजल सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पजल, उसी की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखते जाइए, ऑलरेडी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 3 है, तो आप इसको भी देखें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि IBPS PO तक और SBI क्लर्क के पहले तक मैं बहुत सारे आपको पजल करा दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें अपना पजल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है ये, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं किसको करना कैसे। सॉरी, देखिए अब यहाँ पे पहले हम तो रीड कर लेते, क्या दिया, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, 5 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं। नाम है रूपा, नाम क्या क्या है, रूपा, राकेश, पवन, राखी, राहुल, रमेश, पिंकी, मुकेश, सिटिंग अराउंड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, और फेसिंग सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो फेस है ना, वो कहाँ है, वो है सेंटर की ओर। ठीक है, और जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, ठीक है, वो ऑर्डर कुछ भी रह सकता है। अब क्या बोल रहा है कि वो कुछ कहीं कहीं गांव में भी हैं, कहीं गांव के हैं, तो गांव का नाम क्या है, रत्नागिरी, पुंडारिका, कायासोधरा, अग्नि, एकतारा, पंचवटी और आपका वामानका। ठीक है, भगवान का और सांखनी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि इसी आपके मतलब क्रम में हो, है ना, ऐसे ही हो, ज़रूरी नहीं है, वो अब आगे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि ये सर्कल है, तो सबसे पहले हम इसका सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है ना। चलिए तो देखते हैं, सर्कल बनाते हैं सबसे पहले तो हम। ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, 8 लोग हैं, तो 8 लोग बैठाने हैं हमको। ठीक है, ठीक है, ये 8 लोग हो गए। ठीक है, ठीक, अब सभी का फेस जो है सेंटर में है, तो ये एक बेनिफिट है, सभी का फेस सेंटर कर दीजिए। ठीक है, ये हमने बना दिया कि सब लोग सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पिंकी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, कहाँ, राहुल। पिंकी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के सेकेंड में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम राहुल को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, ये है राहुल। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी बैठा सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, राहुल को यहाँ बैठाया, अब उसके सेकेंड लेफ्ट में पिंकी बैठी है, तो लेफ्ट इधर हो गया ना, अंदर देख रहे हैं। देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है लोगों को कि अब लेफ्ट और राइट कैसे पता करें। तो देखिए, खुद को वहाँ बैठाइए, राहुल की जगह आप खुद बैठ जाइए और आप अंदर देखने लगी सर्कुलर ट्रेवल के, तो अब इससे आपका जो लेफ्ट होगा, अब यहाँ पे ये नहीं कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मेरा लेफ्ट राइट, ऐसा वो कुछ नहीं, जो चला आ रहा है कि भाई लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट में, तो ये अंदर जब देखेगा तो इसके लेफ्ट में कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, राहुल के सेकंड लेफ्ट में, यहाँ पे बैठ जाएगी पिंकी, पिंकी बैठ जाएगी। ठीक है, पिंकी को हमने यहाँ बैठा दिया, अभी इनके गांव भी आएंगे। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। लेफ्ट ऑफ राहुल, ठीक है, एंड स्टेइंग इन अग्नि विलेज। ठीक है, यानी कि पिंकी जो है अग्नि में, अग्नि गांव की है, अग्नि, ठीक है, अग्नि गांव की हो गई, ये दिया हुआ है। अगला आगे पढ़ते हैं। राकेश सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राखी। अब राकेश जो है
राखी के सेकंड राइट में है, अब हमको नहीं पता अभी कि राखी कहाँ बैठी, अभी आगे देखते हैं। एंड लिविंग रत्नागिरी विलेज, कहाँ? रत्नागिरी विलेज, ठीक है। यानी कि हमको ये पता चल गया, यहाँ लिख लेते हैं कि जो राकेश है वो रत्नागिरी में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? रत्नागिरी में, ठीक। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, रत्नागिरी में रहता है, ये एक हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज वन गर्ल सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राकेश, ठीक है। मुकेश और राकेश के बीच में एक लड़की बैठी है, ठीक है, अभी हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। रमेश एंड राहुल आर नेवर ऑफ ईच अदर, ठीक है। रमेश और राहुल जो है, ये देखिए क्या बोल रहा है, रमेश और राहुल एक दूसरे के नेवर हैं, ठीक है, ईच अदर। एंड नन ऑफ देम स्टेइंग इन पांडुरिका, ठीक है, पांडुरिका में, और कायासोधरा में। यानी कि ना रमेश ना ही राहुल दोनों पांडुरिका या कायासोधरा में, अब इसका नेवर है। तो मान लीजिए यहाँ नेवर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन? रमेश। इधर भी बैठाते हैं हम रमेश को, ठीक है, रमेश को, और रमेश को हम यहाँ भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूमिंग बहुत चलती है भाई। यहाँ भी रमेश बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नो गर्ल सिटिंग बिटवीन राकेश एंड पवन, अब राकेश और पवन के बीच में कोई गर्ल नहीं है, ठीक है, चलिए हटाइए। रूपा सिटिंग इन कायासोधरा, एक चीज और पता चल गई, यहाँ लिख लीजिए, जो रूपा है वो कहाँ रहती है? काया में, कायासोधरा में, ठीक है, विलेज। एंड मुकेश स्टेइंग इन सांखिनी, सांखिनी, ठीक है, मुकेश जो है सांखिनी में रहता है, ठीक है। चलिए मुकेश का भी पता चल गया, मुकेश कहाँ रहता है? सांखिनी। ये लिखने से क्या हो जाएगा कि जब एग्जाम में आप पेपर पे लिख लेंगे ना, तो वहां पे आप बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा यहाँ है यहाँ है, इसलिए लिखना जरूरी। नो गर्ल सिटिंग टुगेदर, अब कोई भी लड़की है ना एक साथ नहीं बैठी, मतलब जैसे यहाँ पे अगर पिंकी है तो इसके जस्ट बाद कोई लड़की नहीं आएगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया टुगेदर। राखी डज नॉट स्टेइंग इन पुंडोरिका विलेज, ठीक है। द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पिंकी लिविंग पंचवटी विलेज, पिंकी के सेकेंड राइट में, पिंकी के पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पिंकी, पिंकी का राइट कहाँ है? एक दो सेकेंड राइट में, वो कहाँ है? वो है पंचवटी में। कहाँ है वो? पंचवटी में। तो हमको क्या पता चल गया, राहुल कहाँ रहता है? पंचवटी में, पंचवटी में, ठीक है। अब ये हो गया, अब अभी तो कुछ मिला ही नहीं है आपको, एक बार आप फिर से पढ़ते हैं, कई बार पढ़ना पड़ेगा। पिंकी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, हो चुका है स्टेइंग इन अग्निवेल। राकेश सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ राखी, ठीक है, राखी, अभी इसका कोई मतलब नहीं। लिविंग इन रत्नागिरी, ठीक है। देयर इज वन गर्ल सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राकेश, ठीक है, मुकेश एंड राकेश। रमेश एंड राहुल आर नेवर ऑफ ईच अदर, हमने यहाँ बैठा लिया है, ठीक है, चलिए। स्टेइंग इन पांडुरिका एंड यहाँ, ठीक है। नो गर्ल सिटिंग बिटवीन राकेश एंड पवन, ठीक है, राकेश एंड पवन, अब हमको बैठाना पड़ेगा, ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, चारों तरफ हर जगह बैठा बैठा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, रूपा स्टेइंग इन कायासोधरा विलेज एंड मुकेश स्टेइंग इन विलेज, नो गर्ल सिटिंग टुगेदर, राखी डज नॉट स्टेइंग इन, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस वाली लाइन को पकड़ते हैं, कौन सी? यहाँ पे रमेश सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राखी, ठीक है। अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम राखी को बैठा देते हैं ना, यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर से एक बार, जरूरी है बनाना। मान लीजिए राखी को यहाँ बैठाते हैं, अंदर देख रही है, तो क्या बोल रहा है? राकेश सेटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राखी, है ना। तो राखी का राइट किधर हो जाएगी? ये तो सेकेंड, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका? यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? राकेश, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? राकेश, इधर बैठेगा राकेश, ठीक है, ओके। हमने यहाँ बैठा लिया, रख ली। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक।
देयर इज ओनली वन गर्ल सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राकेश. अब देखिए राकेश यहाँ बैठ गया और मुकेश और राकेश के बीच में एक ही गर्ल है. तो अब देखिए दिक्कत क्या हो गई. अब मुकेश यहाँ बैठ नहीं सकता, क्यों? यहाँ पे पिंकी बैठी हुई है और मुकेश यहाँ भी, यहाँ तो पहले से ही राखी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही हमारी. ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ बैठा के देखते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि रमेश जो था वो यहाँ बैठा हुआ था. कहाँ बैठा हुआ था? रमेश यहाँ बैठा हुआ था. फिक्स हो गया कि रमेश यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है, अब राखी को मान लो हम यहाँ बैठाते हैं. किसको? राखी को बैठा के देख लेते हैं यहाँ पे. राखी को हमने यहाँ बैठाया. अब अंदर देख रही है, क्या बोला है कि राकेश सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ राखी. ठीक है, तो राखी के सेकंड राइट एक दो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? राकेश. ठीक है, राकेश हो गया. अब अगली लाइन में क्या बोला है? देयर इज वन गर्ल सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राकेश. अब मुकेश राकेश ये है, राकेश ये है, तो इसके बीच में सिर्फ एक लड़की बैठी है, तो मुकेश यहाँ पे बैठ सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं मुकेश को. ठीक, तो यहाँ पे एक लड़की बीच में बैठ जाएगी. ठीक है, चलिए हम यहाँ बैठा के देख लेते हैं. मान लीजिए राखी यहाँ बैठी है, तो आपका यहाँ पे कौन बैठ गया? आपका यहाँ पे कौन बैठ गया? राकेश. राकेश बैठ गया और इन दोनों के बीच में एक, मतलब मुकेश के बीच में है ना, तो यहाँ पे कौन हो गया? ये एम मुकेश से है. ठीक है, मुकेश बैठ गया. इन दोनों के बीच में एक लड़की बैठी हुई है. ठीक है, तो देखिए पिंकी हो गई है, राखी हो गई है, तो लड़की बची कौन सी? देख लेते हैं हम. रूपा. रूपा बची तो रूपा यहाँ बैठ जाएगी. अच्छी सी बात है, रूपा कहाँ बैठ जाएगी? रूपा यहाँ बैठ जाएगी. और राकेश का हमको यहाँ, हमको पहले ही पता है कि वो कहाँ है, रत्नागिरी में रहता है. रत्नागिरी में. ठीक है, रत्नागिरी में रहता है. मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश कहाँ रहता है? देखिए मुकेश जो है सांखिनी में रहता है. तो इसका हो गया कहाँ? आपका ये SN लिख लिया मैंने. ठीक है, अब ठीक है ये हो गया हमने. अब क्या करते हैं, इतना जमा लिया हमने. रमेश और राहुल. ठीक है, राहुल ये है, रमेश ये है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे बैठा दिया है. ठीक है, अब हो गया. अब इनमें से कोई भी पंडुरिका और काया सोधरा में नहीं रहता, यानी कि ये पंडुरिका में तो नहीं रहता, पंडुरिका और काया सोधरा में नहीं रहता. तो देखिए क्या क्या हो चुके हैं हमारे. रत्नागिरी हो चुका है, देखिए यहाँ से देखते हैं विलेज के नाम. रत्नागिरी में आपका राकेश रहता, हो गया. पंडुरिका में वो रहेगा नहीं, काया सोधरा में भी रहेगा नहीं, अग्नि में आपकी पिंकी रहती है, एक तारा बचा हुआ है, पंचवटी में आपका राहुल रह रहा है, और बामा काना ये भी अभी बचा हुआ है, और सांखिनी ये भी ये हो चुका है. सांखिनी में कौन बैठा हुआ है? मुकेश बैठा हुआ है. तो हमारे पास बचा क्या है? एक तारा और बामानिका. तो या तो ये एक तारा में रहेगा, है ना, या कहाँ रहेगा? बामा नका. ठीक है, इन दोनों से किसी एक में रहेगा, तो हमने इसलिए स्लैश बीच में लिया हुआ है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, चलिए ये हो गया. अब फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा कि आखिर मतलब है क्या. ठीक है, पिंकी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये हो चुका है अग्नि. राकेश सेकंड टू द राइट ऑफ राखी हो चुका है लिविंग रत्नागिरी. देयर इज, ठीक है, ये भी हमने मुकेश और राकेश के बीच में एक गर्ल को बैठा दिया. राकेश एंड राहुल आर नेवर ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे ये राहुल और राकेश हो गए आपके नेवर. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? नो गर्ल इज सिटिंग बिटवीन राकेश एंड पवन. राकेश और पवन, ठीक, समझ रहे ना, राकेश और पवन के बीच में कोई लड़की नहीं बैठी है. तो बनी सी बात है, एक ही जगह खाली है, तो यहाँ कौन आ जाएगा? पवन. ठीक है, पवन आ गया. ये देखिए पवन. अब रूपा स्टेइंग इन कहाँ पे है? काया सोधरा. रूपा का मिल गया कहाँ पे है? काया सोधरा में है रूपा. ठीक है, विलेज. एंड मुकेश स्टेइंग इन सांगली हो चुका है. नो टू गर्ल सिटिंग टुगेदर. ठीक है, राखी डज नॉट स्टेइंग इन पंडुरिका विलेज. द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पिंकी लिविंग इन पंचवटी. ठीक है, अब ये तो हो गया. ठीक है, अब देखिए, अब जो पवन है ये भी या तो एक तारा में रहेगा या बना बामा नाका में रहेगा. अब दो में पॉसिबिलिटी फंसी हुई है कि कौन कहाँ रहेगा, है ना. तो कहीं पे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा कि मतलब दोनों सेम जगह पे बैठेंगे? एक बार आपको, सिर्फ हमको ये चीज देखना है, प्लीज. पिंकी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल एंड स्टेइंग अग्नि हो गया, पिंकी अग्नि में है. राकेश सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ राखी एंड लिविंग रत्नागिरी, राकेश रत्नागिरी में हो गया.
देयर इज ओनली वन गर्ल सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राकेश. ठीक है, रमेश एंड राहुल आर नेवर ऑफ ईच अदर एंड नन ऑफ देम स्टेइंग पंडरका एंड काया सोधरा. ठीक है, हो चुका है आपका. ठीक है, हो चुका है ना. फिर नो गर्ल इज सिटिंग बिटवीन राकेश एंड पवन. ठीक है, कोई भी लड़की राकेश और पवन के बीच में नहीं बैठती. रूपा स्टेइंग इन काया सोधरा. रूपा का हो गया काया सोधरा विलेज में. एंड मुकेश जो है सांखकिनी में रहता है. नो टू गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर. राकेश डज नॉट स्टेइंग इन पंडुरिका विलेज. द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पिंकी लिविंग इन पंचवती विलेज. ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि कहीं दिया ही नहीं है कि हम किसको कहाँ पे बैठाएं. ठीक है, किसको कहाँ पे बैठाएं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में पता क्या दिया जाता है. इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, अब ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा, या तो ये यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है. ठीक है, बता रहा हूँ देखिए ये. तो अब पेपर में क्वेश्चन पता कैसा आएगा, ये आइदर और की कंडीशन हो गई. सिटिंग अरेंजमेंट में आइदर और की कंडीशन रहती है. ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो ये तो हो गया, अब क्या होगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा पता है. क्वेश्चन आएगा, अब मान लो क्वेश्चन में आ गया, पूछ लिया उसने कि जो पवन है वो किस विलेज में रहता है. क्वेश्चन आ गया, आ गया जैसे पंचकुला, ठीक है, एकतारा, या फिर बमाना का. ठीक, ये आ गया. और थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया कि सेकंड और थर्ड दोनों बोल. तो इसका आंसर होगा मतलब सेकंड, आइदर सेकंड और आइदर थर्ड. तो इसका आंसर होगा आइदर सेकंड और आइदर थर्ड. क्योंकि कहीं भी पजल में, पूरी पजल हमने देखी, कई बार पढ़ा है, कहीं भी पजल में ये नहीं दिया कि पवन किस विलेज से है या रमेश किस विलेज से है. देखिए रमेश का क्या दिया, रमेश एंड राहुल आर नेवर ऑफ ईच अदर एंड नन ऑफ देम स्टेइंग इन पंडरिका एंड काया सोधरा. ठीक है, और जो पवन के बारे में तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है, है ना. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि या तो एकतारा में पवन रहता है या वानकुला में, और या तो एकतारा में राकेश रहता है या बामा नाका में रहता है. ठीक है, तो इस टाइप से पजल्स को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इस पर थोड़ी सी हाई है पीओ लेवल में, मतलब एसबीआई के मेंस में इस टाइप के पजल आएंगे. प्री में तो नहीं आएंगे, मेंस में आएंगे इस टाइप के पजल. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, है ना. ठीक है, ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. तो यहाँ पे आप पार्ट टू भी देख पाएंगे, और जल्द ही मैं पार्ट फोर अपलोड करूंगा तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप पार्ट फोर भी देख पाएंगे, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जिसका भी होगा, जो कि एसबीआई आईबीपीएस के सभी बैंकिंग एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें. www.facebook.com/scholaralike ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह उस पर पब्लिश करता हूँ वो आप देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, थैंक यू.